सुबह की शुरुआत कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी पी रहे हैं, बस की वेट कर रहे हैं, हो जाए तब तक। हमारे इस हॉस्पिटल में क्लासेस चल रही हैं। हाँ अभी बर्फबारी पड़ रही है, देख के भी चलना पड़ रहा है। काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल है, अभी भी हो गया करें। ठीक है, कहाँ है हॉस्पिटल? अभी पहली क्लास होता है, हमें पता भी नहीं कहाँ से एंट्री करना है। जब फर्स्ट क्लास होता है तो ये प्रॉब्लम होता है हर हॉस्पिटल में कि कहाँ जाना है। अभी अपन ढूंढेंगे, डॉक्टर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा आगे कौन पते हैं। इतने बच्चे तो आ चुके हैं। जब फर्स्ट डे का हमारी क्लास लगती है तो हमें अपने ऐसे क्लासेस ढूंढने पड़ती हैं कि किधर जाना है, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सिटी से एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है डॉक्टर का जो हमारा क्लास लेगा हॉस्पिटल में। हर बार अलग 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 बिल्डिंग में क्लासेस लगती हैं, तो अभी अपने को ढूंढना पड़ रहा है अपना। देखो सारे अपने को इस पर पर्पल लाइन पकड़ना है, और पर्पल लाइन लिखा तो नहीं गई बना हुआ है, इसी के थ्रू चलते जाना है कि किधर जाना है। देख रहे हो, जैसे इंडिया में मेट्रो लाइन क्लियर नहीं होता है येलो ग्रीन, जैसे ये पर्पल बना है हमारे लिए किस डायरेक्शन में ही जाना है। ये डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं किधर जाना है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। मज़ा भी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, बर्फ से तो भरी पड़ी है। हॉस्पिटल देख लो कैसे एक नंबर। हमारी फर्स्ट क्लास है सही है, फिफ्थ ईयर में। अभी अपन क्लासेस ही ढूंढ रहे जाना किधर है, प्रॉब्लम यही हो रही है। 7 नंबर ब्लॉक में जाना, लेकिन जाना किधर है ये पता नहीं। बट काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा है, बूट पहना हो तब भी दिक्कत होती है, पैर फिसलते हैं, इसलिए अच्छे बूट ही लेने पड़ते हैं। फाइनली हमने अपना 7 नंबर टर्मिनल ढूंढ लिया है, अब इस डायरेक्शन में जाते जाना है। फॉरन में आपको ऐसा ही है, कोई हेल्प नहीं करेगा, खुद ही सब ढूंढना पड़ता है। फॉरन में ना पढ़ने का एक फ़ायदा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, किसी और पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है, सब चीज़ खुद ढूंढो, सब चीज़ खुद करो। फाइनली मैं रेडी हो गया, क्लास के लिए जा रहा। आज मैं आपको अपना क्लासरूम दिखाता हूँ। ये हॉस्पिटल ही है, हॉस्पिटल में ही क्लासेस चलती हैं, तो ऐसे कमरा मिलता है क्लास के लिए। हमारी क्लासेस खत्म हो गई हैं, अपन बाहर निकलने का रास्ता देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल से बाहर कैसे निकले, इतना बड़ा हॉस्पिटल रास्ता ही नहीं पता चल रहा है, निकले कहाँ से और आए कहाँ से थे, ढूंढना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत काफ़ी चल के आए थे क्लास करने, तो अब ये जिस रास्ता देख रहे हैं जिससे बाहर बस पकड़ ले। सिर्फ फर्स्ट डे दिक्कत होती है ऐसे, देख लो बर्फ पहाड़ जैसे जमा हो गए। देख रहे कैसे चल रहे हैं गिरने के डर से, हाथों में हाथ डाल के बेचारे चले जा रहे हैं। मैं तो अकेले, और वो भी अकेले उस साइड, मैं तो बर्फ पर चल रहा हूँ पैर ना फिसले। ये देख रहे हो, ये हमारा हॉस्पिटल है, आप इसे सोच सकते हो कितना बड़ा है ये। इसी में हमारी क्लासेस प्रैक्टिस सब इसी में चलती हैं। ये दादरस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैं अपने आप इस वीडियो में कई बार बताऊंगा ये बात।
काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है चलने के लिए, बर्फ से पूरी हालत ख़राब है।